बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती पिछले कई सालों से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी दर्शक इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग मिथुन के बारे में तो जानते हैं, क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी मिथुन के बेटे के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सुपरहिट अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती को आज भी डिस्को डांसर कहा जाता है। आज भी मिथुन चक्रवर्ती को दर्शक खूब पसंद करते हैं। लेकिन बात करें इनकी निजी लाइफ की तो मिथुन चक्रवर्ती ने पहली शादी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री हेलेना लुके से की। लेकिन इनकी पहली शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली, एक साल बाद दोनों को तलाक हो गया, जिसके बाद मिथुन ने योगिता बाली से 1979 में शादी की। शादी के बाद इनको तीन बेटे हुए, जिनका नाम महाक्षय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और ऊष्मा चक्रवर्ती रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिथुन के बड़े बेटे का नाम महाक्षय चक्रवर्ती है, जिनको लोग मिमोह के नाम से जानते हैं। इनके बड़े बेटे बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं। महाक्षय को बॉलीवुड की सुपर फिल्म जिम्मी इश्क जारिया और रॉकी जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाते हुए देखा गया है, जिसमें इनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन इनके बड़े बेटे को अपने पिता की तरह ज्यादा नाम हासिल नहीं हो पाया। अगर बात करें इनके दूसरे बेटे की तो इनके दूसरे बेटे का नाम नमाशी चक्रवर्ती है, जो फिल्म बधाई हो और अंधाधुन में बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं, जिनमें इनको साइड रोल करते हुए देखा गया। लेकिन दर्शकों ने इनके रोल को कुछ खास पसंद नहीं किया। आज भी इनके छोटे बेटे का स्ट्रगल जारी है। आने वाले समय में इनके बेटे नमाशी बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, एक जाने माने एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मिथुन चक्रवर्ती के तीनों बेटे मिथुन चक्रवर्ती की तरह ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता नहीं बन पाए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती का कौन सा बेटा कितना नाम कमा पाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मिथुन के बेटों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।